very good care of yourself and studying with your parents properly. Okay. Good morning, all of you. In last session, we have understood test yourself one, that is based on chapter 1 to 5. Now today we will learn lesson number 6 of EVS. Lesson number 6 is houses we live in. Okay. First of all, we will understand the title of the lesson. Houses we live in. हम जो houses में रहते हैं वो सब houses different types के होते हैं. जैसे कि कोई बंगलों में रहता है, कोई duplex में रहता है, कोई flat, कोई apartment में रहता है. Okay. तो हम सब जो रहते हैं वो सारे houses के types अलग अलग होते हैं. और आज हमें इस lesson में इसी different types के बारे में समझना है. All the houses that we live in are constructed on the weather, that is constructed on the weather that we feel in our state or in our country. हम जो भी हाउस में रहते हैं वो हाउस उस स्टेट या उस कंट्री के वेदर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. अगर किसी जगह पे बारिश ज़्यादा होती है तो वो अलग तरह के हाउस बनाते हैं. अगर किसी जगह पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे भी हमारे जैसे हाउसेस नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं. तो आज हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस समझना है कि अगर ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है तो वहाँ पे कैसे हाउस बनते हैं. ओके, लेट अस सी द लेसन एंड बिगिनिंग विद द हार्ड वर्ड्स. हीट यानी गर्मी. वी फील व्हेन देयर इज अ समर, वी फील वेरी हॉट और हीट. ओके, जब सन ज्यादा शाइन करता है तो उस दिन हमें ज्यादा गर्मी लगती है. हीट मीन्स गर्मी. देन कोल्ड, कोल्ड यानी ठंड, जो हम विंटर सीजन में फील करते हैं. रेन, रेन यानी बारिश. बैड वेदर, बैड वेदर यानी ऐसी कंडीशन जिस दिन ज्यादा विंडी होता है वो दिन या तो ज्यादा क्लाउडी होता है या ज्यादा फॉगी होता है. फॉग यानी जो जाड़ा निकलता है वो. वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल वो है जो फॉरेस्ट में रहते हैं. दो तरह के एनिमल्स के बारे में हमें पता है, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोग हमारे पास रख सकते हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को हम हमारे पास नहीं रख सकते हैं. जैसे कि डॉग, कैट, हॉर्स, काउ, गॉट, बफेलो, उन सबको हम हमारे पास रख सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइगर, लायन वगैरह को हमारे पास नहीं रख सकते हैं. कच्चा हाउस, कच्चा हाउस जो है वो मोस्टली मड, मड यानी कीचड़, स्टिक्स यानी जो प्लांट्स की या ट्रीज की ट्रंक्स होती हैं उससे बनता है. उसमें ड्राई ग्रास का और ड्राई लीव्स का भी यूज होता है. उसके बारे में डिटेल में हम लोग लेसन में समझेंगे. देन पक्का हाउस, पक्का हाउस जो है वो सब हम जो रह रहे हैं दे ऑल आर पक्का हाउस. ओके, दैट इज मेड अप विथ सीमेंट एंड ब्रिक्स एंड सैंड. ओके, देन स्काई स्क्रैपर्स, स्काई स्क्रैपर्स यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग में 3-4 माले से ज्यादा माल है. ओके, मल्टी यानी ज्यादा, तो 3-4 या ज्यादा माले वाली बिल्डिंग को स्काई स्क्रैपर्स या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं. फ्लैट्स, यू ऑल नो द टाइप ऑफ दिस फ्लैट्स. ओके, फ्लैट्स के बारे में आप सबको पता है, आप में से कई लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं. देन अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स आर 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग, 3 या 4 माले का होता है, जो भी इसके बारे में भी आपको पता है. टेंट, टेंट यानी जब हम लोग या तो कोई सफारी करने जाते हैं या कोई कैंप में जाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं रहने के लिए, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाया जाता है. उसके बाद उसको हम खोल सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग लेसन में ज़्यादा समझेंगे. कैरेवान, कैरेवान इज अ हाउसेज ऑन व्हील्स. ये सिंपल वर्ड, ये सिंपल उसकी डेफिनेशन है कि हाउसेज ऑन व्हील्स, व्हील्स मतलब कैरेवान. उसके बारे में भी हम लोग लेसन में समझेंगे. देन
हाउस बोट, हाउस बोट यानी बोट के ऊपर जो हाउस बनाया जाता है जो पानी पे फ्लोट करता है, दैट इज हाउस बोट. देन इग्लू, इग्लू इज मेड अप विथ स्नो और ब्रिक्स ऑफ स्नो. ओके, स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस जो ऐसा हाउस है जो जिस जगह पे पानी ज्यादा भर जाता है तो वहाँ पे हाउस को जमीन से ऊपर लेने के लिए ट्री ट्रंक्स का या बांबूस का यूज करके उसको ऊपर लिया जाता है और फिर उसके ऊपर हाउस बनाया जाता है, दैट इज स्टिल्ट हाउस. पेट्स, पेट्स यानी हम जो एनिमल्स पालते हैं वो पेट्स. Let us understand the activity that is given on the page number 164. Look at the following rooms. Write the differences between them in the columns given below. Use the help box. Okay. See the room number 1 and also see room number 2. In room number 1, all the things are not its place. Okay. And in room number 2, you can see that the all things are arranged very properly. So let us begin. यहाँ पे हमें दो रूम के डिफरेंस को लिखना है. First, things. Room number 1 में things कैसी है? Things are scattered. यानी सारी चीजें इधर उधर गिरी हुई है, अच्छे से रखी नहीं है. Room number 2, Things are kept at right places. Room number 2 में सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई है. State of the room is dirty. Room number 1 जो है वो room बहुत dirty दिख रहा है, गंदा दिख रहा है. Room number 2, the room is neat and clean. Room number 2 है वो neat and clean दिख रहा है. Look of the room. रूम कैसा दिख रहा है? रूम नंबर 1, द रूम लुक्स अनटाइडी. जो रूम है वो अनटाइडी दिख रहा है. अनटाइडी यानी अच्छे से अरेंज किया हुआ नहीं है. रूम नंबर 2, द रूम लुक्स गुड. रूम नंबर 2 जो है वो अच्छा दिख रहा है. ओके, समझ गए? तो हमें कैसा रूम पसंद है? रूम नंबर 1 पसंद है कि रूम नंबर 2 पसंद है? Yes, we all like room number 2. हम सबको room number 2 पसंद है. क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें अच्छे से well arrange की हुई है. Let us understand the lesson line by line. We need a house to live in. हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है. A house protect us from heat, cold, rain, bad weather, wild animals and thieves. घर हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? घर हमें ठंड, गर्मी, बारिश, बैड वेदर यानी वेदर की जो ख़राब कंडीशन होती है उससे, वाइल्ड एनिमल्स से एंड thieves, thieves यानी चोर से हमें बचाता है. Long long ago people lived in caves. Caves यानी जो गुफा होती है उसको caves बोलते हैं. बहुत पहले के टाइम पे जब ये चीज़ों का इन्वेंशन डिस्कवरी नहीं हुआ था तब लोग केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे. लेटर दे लर्न टू मेक हाउसेस. उसके बाद धीरे धीरे इंसान ने घर बनाना सीख लिया. दे मेड हाउसेस ऑफ ग्रास, वुड एंड स्टोन्स. शुरुआत में जब इंसान ने घर बनाया तो वो घर किससे बना था? ग्रास, वुड, वुड यानी लकड़ी, ग्रास यानी जो घास होता है वो, और स्टोन यानी पत्थर से बना हुआ होता था. डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेस. घर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज हुआ है उसके आधार पे घर के दो टाइप बनते हैं. वन इज कच्चा हाउस एंड सेकेंड इज पक्का हाउस. एक है कच्चा हाउस एंड दूसरा है पक्का हाउस. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड मैच द वर्ड्स विथ द करेक्ट पिक्चर्स. यहाँ पे हमें नीचे दो पिक्चर्स दिए हुए हैं
उसमें से एक पिक्चर है कच्चा हाउस का जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वन इज पक्का हाउस। सबसे पहले हमें बीच में जो वर्ड्स दिए हैं उसको एक एक करके हम घर के साथ मैच करेंगे कि उसको बनाने में इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। मैंने आपको आगे समझाया था कि जो कच्चा हाउस है वो मॉड लीव्स ड्राई लीव्स ग्रास एंड स्टिक का यूज़ करके बनाया जाता है। सो फर्स्ट वन इज मॉड। मॉड यानी कीचड़ या मिट्टी। तो मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग कच्चा हाउस बनाने में करते हैं। सो मैच द वर्ड मॉड विद द कच्चा हाउस। सेकेंड वन इज ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी जो ईंट आती है वो रेड कलर की वो, ओके वो सब आपने देखी होगी। तो ब्रिक्स का इस्तेमाल पक्का हाउस बनाने में होता है। सो मैच द वर्ड ब्रिक्स विद द पक्का हाउस। देन बाम्बू। बाम्बू यानी लकड़ी या जो वो प्लांट आता है उसकी, बाम्बू का प्लांट होता है उसकी जो लकड़ी निकलती है दैट इज़ बाम्बू। ओके तो बाम्बू का इस्तेमाल भी कच्चा हाउस बनाने में होता है। सो मैच द वर्ड बाम्बू विद कच्चा हाउस। देन स्टील। स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पक्का हाउस। सो मैच द वर्ड स्टील विद द पक्का हाउस। सीमेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पक्का हाउस। सो मैच द वर्ड सीमेंट विथ पक्का हाउस। देन स्ट्रो। स्ट्रो इज यूज्ड फॉर मेकिंग कच्चा हाउस। सो मैच द वर्ड स्ट्रॉ विथ कच्चा हाउस। देन स्टिक्स। स्टिक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग कच्चा हाउस। सो मैच द वर्ड स्टिक्स विथ कच्चा हाउस। वुड। वुड इज यूज्ड फॉर बोथ हाउसेस। ओके वुड का इस्तेमाल दोनों हाउस बनाने में किया जाता है। जैसे कि पक्का हाउस बनाने में हम लोग दरवाजे विंडोज़ वगैरह वुड की बनाते हैं, उसके साथ साथ कच्चा हाउस बनाने में भी दरवाज़ा विंडोज़ वगैरह बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। सो मैच द वर्ड वुड विथ बोथ द हाउसेस। ओके कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग तरह के हाउसेस कैसे होते हैं उसके बारे में हमें अभी समझना है। पीपल स्टे इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मैंने आगे आपको समझाया कि हम ऐसे घर में रहते हैं जो वेदर कंडीशन, हम जिस जगह पे रहते हैं उसकी वेदर कंडीशन को अनुकूल होता है। ओके जैसे कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा गिरती है तो वहाँ के हाउसेस हमारे जैसे नहीं होते। मैंने जैसे आपको बोला आगे कि हम जो घर में रहते हैं सब जगह उस टाइप के घर नहीं होते हैं, क्योंकि सारे प्लेस की वेदर कंडीशन अलग होती है, उसका क्लाइमेट अलग होता है। जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ के हाउसेस अलग होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ के हाउसेस भी अलग होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है उसके हाउसेस भी अलग होते हैं। सो हमें अभी आगे ये सारे हाउसेस के बारे में समझना है। यू कैन सी द पिक्चर दैट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 165। दिस शो द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ओके यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी उसमें तीन या चार माले से ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, ज़्यादा स्टोरीज होती है। इन बिग टाउन्स पीपल लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स। बड़े बड़े टाउन में, बड़े बड़े सिटीज़ में जो लोग होते हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में या तो फिर स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। ओके यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो जिसमें बहुत ज़्यादा माल होते हैं। दिस बिल्डिंग्स हैव मैनी हाउसेस। इस बिल्डिंग में, इस एक ही बिल्डिंग में ज़्यादा हाउसेस आ जाते हैं। These houses are called flats or apartments. ऐसे houses को flats बोलते हैं या तो apartment भी हम बोलते हैं।